ओके, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट सिक्स। हाउ मेनी टाइम्स इन ए स्पेस इन अ सेकेंड डज अ स्पेसशिप ऑफ डायमीटर 30 मीटर, 30 मीटर डायमीटर वाली एक स्पेसशिप है, उसको कितनी मरतबा, हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर कितनी मरतबा रोटेट करना पड़ेगा, नीड टू बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी। और जब गिवन नहीं है तो इसका मतलब आर्टिफिशियल ग्रेविटी उतनी ही बनानी है जितना के होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि 9.8। तो ठीक है, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, पहले डेटा देख लो, फ्रीक्वेंसी एफ़ फाइंड करनी है, डायमीटर 30 था जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस बराबर होता है डायमीटर का हाफ़, यानी कि 30/2 इज इक्वल टू 15 मीटर। अब यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी है और फ्रीक्वेंसी, तो एक ही फार्मूला आर्टिफिशियल ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी का, इसके मुताबिक एफ़ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर। जी इस वजह से मैंने लिखा है क्योंकि हमें उतनी ही आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी है जितनी कि अर्थ के ऊपर होती है, बाकी आर हम लोग फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी रेडियस, बाकी तो हमें वैल्यूज़ ही पुट करनी है। 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, 9.8 और 15। अच्छा, पहले आप क्या करेंगे, सही से ब्रैकेट सही से कैलकुलेटर के अंदर लिखोगे तो आंसर आएगा, वरना गलती के चांसेस होते हैं। तो बेहतर ये कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो या कैलकुलेटर में बिल्कुल जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही लिखो, तो आंसर आ जाएगा 0.128 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और क्योंकि इन्होंने सेकेंड का ही पूछा था तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, पेपर में चेंज हो सकता है अगर कहते हैं इन मिनट्स, तो यकीनन फिर सेकंड्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ता मिनट्स में। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि स्पेसशिप को रोटेट करना चाहिए 0.128 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट 11। एक शख्स जिसका वेट गिवन है 60 किलोग्राम और वो खड़ा हुआ है स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, एक एलिवेटर एक लिफ्ट के फ्लोर पे खड़ा हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैन, कितनी फोर्स अप्लाई करेगा वो शख्स व्हेन द एलिवेटर इज असेंडिंग, एलिवेटर असेंड कर रहा है यानी कि ऊपर की तरफ उठ रहा है एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एलिवेटर ऊपर की तरफ उठ रहा है तो वो शख्स कितनी फोर्स अप्लाई करेगा वो हमें फाइंड करनी है, और उसका मास वगैरह गिवन है, मास ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू 60 किलोग्राम, फोर्स एग्जर्टेड बाय द पर्सन एफ से शो कर दिया उसको, वो हमें फाइंड करना है जो कि उसका अपेरेंट वेट होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर जो कि असेंड कर रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो एलिवेटर अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस जी होता है, और वही अगर डाउनवर्ड आ रहा होता है तो माइनस आ जाता है, बट दिस टाइम क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो यही फार्मूला है एम ए प्लस जी। तो सिंपल है, वैल्यूज पुट करनी है 60 × acceleration 2, और जी तो होता ही 9.8 है, 9.8 + 2 ये 11.8 × 60 यानी कि 708 न्यूटन। वो फोर्स जो वो शख्स जो फोर्स एग्जर्ट करेगा एलिवेटर के ऊपर अगर एलिवेटर असेंड कर रहा है यानी कि उठ रहा है वो है 708 न्यूटन। टू का पार्ट फोर। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड अ डीप माइन टू दैट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 0.99। जो रेशियो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक डीप माइन में टू दैट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ वो 0.99 है, तो डेप्थ ऑफ माइन फाइंड करनी है, अज्यूम करना है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ यूनिफॉर्म है, और लेना है रेडियस ऑफ अर्थ 6.38 × 10⁶ मीटर्स। सो डेटा में जी डैश कर लेते हैं जो कि डीप माइन में है, और जी वो वैल्यू जो कि है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ जी तो गिवन हमें क्या है, रेशो है डीप माइन वाली वैल्यू डिवाइड बाय अर्थ वाली वैल्यू, यानी कि जी डैश डिवाइड बाय जी कितना गिवन है 0.99, और रेडियस ऑफ अर्थ तो है ही 6.38 × 10⁶ मीटर्स। सो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डेप्थ वाला, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन डेप्थ इज गिवन बाय जी डैश इज इक्वल टू जी 1 − d/r e। जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी डैश के साथ भेजेंगे तो जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा डी जी जी डैश ओवर जी इज इक्वल टू 1 − d/r e। ये वैल्यू हमें गिवन है जी डैश ओवर जी 0.99 के बराबर, पुट करेंगे 1 − d/r e की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ये करेंगे कि डी इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और 0.99 वन के साथ आके माइनस का हो जाएगा, तो 1 − 0.99 होता है 0.01। फाइनली क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ डी चाहिए तो ये वैल्यू 0.01 के साथ जाकर होगी मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 6.38 × 10⁴ मीटर्स। तो अगर हम इतनी डेप्थ वाली माइन में जाएंगे तो वहाँ की जो वैल्यू ऑफ जी है और जो अर्थ की वैल्यू ऑफ जी है उनका रेशो होगा 0.99।
क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फाइव, रेडियस ऑफ द मून इज 27 ऑफ दैट ऑफ अर्थ रेडियस एंड इट्स मास इज 1.2% ऑफ द अर्थ मास। ठीक है ना, रेडियस 27% है अर्थ के रेडियस के लिहाज से और जो मास है वो 1.2% है अर्थ के मास के लिहाज से। तो वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है ऑन द सर्फेस ऑफ मून, और फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज़मीन पर इतना है तो वहाँ पर कितना होगा, जो वेट गिवन है ये यहाँ का है अर्थ का तो वहाँ पर कितना होगा। अच्छा जी, 27% ऑफ आर ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का 27% है, तो 27% का मतलब 27/100 परसेंट, सेंट कहते हैं 100 को, सो 27/100 0.27 आर ई के बराबर होता है। ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ मून। फिर मास ऑफ मून निकाल लेते हैं तो 1.2% ऑफ एम ई, 1.2% ऑफ एम ई यानी कि वही 1.2 डिवाइड बाई 100 तो वो हो जाएगा 0.012 एम ई। ये आ गए हमारे पास mm की वैल्यू, ये आ गए हमारे पास rm की वैल्यू। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून मालूम करनी है, और एक बॉडी का वेट यहाँ पर 424 न्यूटन था तो वहाँ पे कितना होगा, जिसको हमने नाम दे दिया wm का। ओके, तो हमें पता है फॉर्मूला जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और इसी को फॉर्मूले को अगर लिखेंगे फॉर मून तो मून के लिए बनेगा जी एम इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम आर एम का स्क्वायर। जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली हैं डेटा के अंदर उनको पुट करते हैं, mm की जगह पर आएगा 0.012 एम ई, पूरी वैल्यू है ना 0.012 एम ई के बराबर है टाइम्स एम ई, और इसी तरीके से आर एम की जगह पे आ जाएगा 0.27 आर ई का स्क्वायर। नंबर्स अलग, वेरिएबल्स अलग, सो 0.012 डिवाइड बाय 0.27 का स्क्वायर, और यहाँ पर सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए जी एम ई आर ई का स्क्वायर। और से देखो तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ये बराबर होती है इस इक्वेशन के मुताबिक स्मॉल जी के, तो इसकी जगह पे हम स्मॉल जी पुट कर सकते हैं जो कि अर्थ की वैल्यू ऑफ जी देता है। और ये जो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं कैलकुलेटर में रख के पुट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा 0.165, और जो मैंने बताया ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो बराबर है जी के, सो जी 9.8 इंटू दिस वैल्यू, ये आ जाएगा 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब एक और बात ये थी कि एक ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पर 424 है तो वहाँ पर कितना होगा, तो देखो वेट ऑफ द बॉडी का जो फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन, और अगर उसका वेट मालूम करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मून तो क्या बनेगा, वो बनेगा डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम जी एम, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। जाहिर सी बात है मास तो कॉन्स्टेंट रहता है तो एम सेम ही रहेगा, सिर्फ वेट और जी चेंज होगा। इक्वेशन नंबर टू को वन से डिवाइड कराओ तो डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू, और ये आ जाएगा जी एम डिवाइड बाई जी, और एम से एम हो जाएगा कैंसिल। सारी वैल्यूज पता है हमें, रीअरेंज कर लो ताकि डब्ल्यू एम आ जाए, सो ये डब्ल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डब्ल्यू इंटू जी एम अपॉन जी के बराबर आएगा। यहाँ पर वेट 424 था, 1.62 जी एम वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू जी 9.8 होती है, सॉल्व करने के बाद वेट बन जाएगा 70 न्यूटन के बराबर। सो दोनों वैल्यूज आ गए हमारे पास, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वहाँ पर जो वेट है वो होगा 70 न्यूटन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू था जो कि था न्यूमेरिकल, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ डज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैव 1/3 ऑफ द वैल्यू दैट इट हैज़ ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ से कितने डिस्टेंस पे चले जाएं लेकिन उस डिस्टेंस को सेंटर ऑफ अर्थ से नापना है जहाँ की जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/3 हो जाए उस वैल्यू के जो वैल्यू होती है सरफेस पर। डेटा बना लेते हैं, देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हमें पता करना है, और वैसे जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ सरफेस तक का वो आर ई होता है, फिलहाल हम उसको कर देते हैं आर ई प्राइम, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हाइट पर जाएंगे डिफरेंट डिस्टेंस आएगा तो उसको हमने आर ई प्राइम कर दिया है। और द वैल्यू ऑफ जी एट आर ई प्राइम, आर ई प्राइम पर क्या होगी वैल्यू ऑफ जी, तो उसको जी प्राइम का नाम दे दिया और वो हो जाएगा बराबर 1/3 जी के। ये हो गया हमारा डेटा। नाउ अब हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर के, ये एक्चुअल फार्मूला है जी का, बट क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियस रिलेटेड चीज़ मालूम करनी है तो रेडियस को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई जी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर वन। ये तो जो आंसर हमारे पास आया ना ये आया है ऑन द सरफेस का। अब हम चाहते हैं फार्मूला हमें मिले एट सर्टेन हाइट यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से कुछ और ऊपर जाके, तो क्या डिफरेंस आएगा, आर ई की जगह पे हम लिख देंगे आर ई प्राइम, तो अगर आर ई प्राइम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो फार्मूला जी डैश के लिए होगा वो जी डैश बनेगा यहाँ पर। उसी तरीके से हम आर ई प्राइम की वैल्यू को अगर अलग करना चाहें, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि जी प्राइम की जगह पर
जी प्राइम की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि 1/3 टाइम्स जी गिवन थी, ठीक है ना, हमारे क्वेश्चन के अंदर 1/3 टाइम्स जी गिवन थी तो उसको पुट कर दिया। अच्छा अभी क्या करेंगे, आर ई स्क्वायर को अलग करेंगे तो आर ई स्क्वायर इधर आकर अलग होगा, 3 इस तरफ जाके होगा मल्टीप्लाई और जी हो जाएगा जाके डिवाइड, तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा बनेगा 3 कैपिटल जी एम ई ओवर जी। अच्छा अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू लिखी हुई है ना, कैपिटल जी एम ई ओवर जी, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू लिखी हुई है ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं इन इक्वेशन नंबर 1, और ये खुद बराबर है आर ई के स्क्वायर के, तो इसको हम कर देंगे कि आर ई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर ई का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू की जगह पे आर ई का स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि हमें स्क्वायर तो मालूम करना नहीं था, हमें आर ई प्राइम मालूम करना था, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी, तो स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स तो हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ आर ई। वैसे तो यहाँ तक भी आंसर लिखा जा सकता है, बट क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए आर ई प्राइम की, तो फिर हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू यानी कि 1.73 इंटू आर ई की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ 6.38 टेन रेज टू द पावर 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.03 टेन रेज टू द पावर 6 मीटर्स। रिजल्ट भी इसी तरह से मेंशन कर देंगे कि इतनी हाइट पर जाने के बाद जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/3 हो जाएगी उस वैल्यू का जो कि होती है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 हमारे बुक का ही न्यूमेरिकल है, रेडियस ऑफ मून 27% है अर्थ के रेडियस का, और जो उसका मास है वो 1.2% है अर्थ के मास से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। ओके, रेडियस ऑफ मून 27% ऑफ आर ई। अच्छा 27% परसेंट का मतलब होता है पर 100, सो हम लिख सकते हैं इसको 27/100, और आर ई एज इट इज़ लिखा हुआ है, सो 27/100 ये हो जाएगा 0.27, और आर ई अपनी जगह पे लिखा हुआ है, याद रखो 27% अर्थ के रेडियस का है, तो 0.27 इंटू आर ई लिखा जाएगा। मास ऑफ मून एम एम से शो कर रहे हैं, 1.2% है मास ऑफ अर्थ के, फिर वो बात है 1.2% पर सेंट का मतलब पर 100 डिवाइड बाय 100 0.012, और एम ई एज इट इज़ लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ जी पता करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, जिसको हमने शो किया है जी एम से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैपिटल स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, बट इसी फॉर्मूले को फॉर मून लिखेंगे तो ये बनेगा कैपिटल जी एम एम यानी कि मास ऑफ मून, आर एम यानी कि रेडियस ऑफ मून। वैल्यूज पुट करेंगे 0.012 एम ई आ गया, जो कि एम एम मास ऑफ मून था, और जो रेडियस ऑफ मून था वो था 0.27 आर ई, और होल स्क्वायर लगा हुआ था डिस्टेंस के ऊपर, वो करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट्स अलग वेरिएबल्स अलग, सो 0.012 और 0.27 का स्क्वायर अलग करा, ऊपर का कैपिटल जी एम ई और नीचे का आर ई का स्क्वायर अलग। ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ये एक्चुअली बराबर होता है स्मॉल जी के, जो कि ऑलरेडी मैंने लिख के भी दिखाया था, रिवर्स करके देख लो वीडियो, जो हमने वैल्यू ऑफ जी लिखी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ वो इतनी आई थी। बाकी इसको सॉल्व करेंगे अगर नंबर्स को तो ये आ जाएगा 0.165 इंटू जी यानी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, मास ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/80 ऑफ द अर्थ मास, यानी कि जो अर्थ का मास है उसका 1/80 टाइम्स है, एंड इट्स रेडियस इज 1/4, जो रेडियस है मून का वो अर्थ के रेडियस का 1/4 है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऐसे न्यूमेरिकल परसेंटेज में हमारी बुक के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर जो है वो गिवन है कि रेडियस जो है वो 27% है, मास जो है वो 1.2% है, यहाँ पे उसी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, तो सॉल्यूशन मेजॉरिटी वैसे ही होगा, बस ये कि हमें परसेंटेज के बजाय फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। रेडियस ऑफ मून 1/4 आर ई, 1/4 का मतलब होता है 0.25 इंटू आर ई, 1/4 टाइम्स आर ई था तो 0.25 टाइम्स आर ई आ जाएगा। इसी तरीके से मास ऑफ मून 1/80 बराबर मास ऑफ अर्थ के बराबर है, तो 1/80 करेंगे 0.0125 इंटू मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, और हमें वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, जिसे हमने शो कर दिया है जी एम से। तो हमें फॉर्मूला तो पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। अब कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ अर्थ की जगह अगर मून पर निकालना है तो मास ऑफ मून आएगा, और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ मून आएगा,
यानी कुछ ऐसा बन जाएगा जी एम वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून, कैपिटल जी मैंने बताया कॉन्स्टेंट रहेगा, एम ई की जगह पे एम एम आएगा और आर ई की जगह पे आर एम का स्क्वायर आएगा। देखो एम एम और आर ई की वैल्यू पुट करते हैं। एम एम यानी कि मास ऑफ मून गिवन था 0.025 एम ई के बराबर, तो पूरी वैल्यू आ गई एम एम की जगह पर, और इसी तरीके से आर एम की जगह पर आ गई पूरी वैल्यू 0.25 आर ई, और फिर आर एम का स्क्वायर था तो इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। कॉन्स्ट जो नंबर्स हैं कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अलग करो, वेरिएबल्स को अलग करो, तो ये हो जाएगा 0.0125 डिवाइड बाई 0.25 का स्क्वायर, और ये सारे कॉन्स्टेंट एक साथ आ जाएंगे। ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, ये इससे पहले भी हमने देखा था ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी, और इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 होती है, मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आ जाएगा 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून अप्रॉक्सीमेटली 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है।